हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो बनाया था कि आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, तो उसके बाद हमें कुछ सवाल मिले थे जिसमें ये सवाल पूछा गया था, क्या अपने ही स्कूल में आउट ऑफ स्कूल किया हुआ स्टूडेंट वापस अगर हमारे स्कूल में आता है तो उसको वही जनरल रजिस्टर नंबर और डेट ऑफ एडमिशन पे ले सकते हैं या नहीं? क्योंकि कभी कभी होता ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बिना ELC लिए ही शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ अदर स्टेट में चले जाते हैं या फिर कहीं और, इसलिए हम उन स्टूडेंट्स को आउट ऑफ स्कूल सेक्शन में डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ टाइम के बाद अगर वो वापस आते हैं तो हमें दोबारा उसको अपने कैटलॉग में लेना होता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि उन स्टूडेंट्स को आप दोबारा अपने कैटलॉग में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं यहां पे एक स्कूल का लॉगिन कर लिया हूं। पहले आपको बता देता हूं कि आउट ऑफ स्कूल, हमारी ही स्कूल की जो आउट ऑफ स्कूल है उसमें हमने एक स्टूडेंट को रखा हुआ है। आपको शो करता हूं। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस रिपोर्ट के अंदर आउट ऑफ स्कूल, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 स्टूडेंट यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल में हैं। अब इस स्टूडेंट को हमने ये तो इसको हमने आउट ऑफ स्कूल किया था क्योंकि ये चले गई थी। अब जो है वापस दोबारा इसी स्कूल में आई हुई है, तो ये हमने यहाँ पे में आउट ऑफ स्कूल किया हुआ था इसको, और इसका जनरल रजिस्टर नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 869। तो मैं यहाँ पे आपको पहले शो कर दिया हूं कि ये यही स्टूडेंट इसी स्कूल के आउट ऑफ स्कूल सेक्शन में है। तो अब हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट को वापस अपने स्कूल में कैसे लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट, उसके बाद स्कूल UDIS नंबर और नेम। अब यहां पे मैं वही UDIS नंबर डालता हूं जो इस स्कूल का है। अब यहां पे ऑल कर देता हूं और यहां पे भी ऑल। उसके बाद एकेडमिक ईयर जो है वो पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल ही उस स्टूडेंट को हमने आउट ऑफ स्कूल किया था। अगर इस साल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो आपको बता देता हूं यहां पे एक भी स्टूडेंट शो नहीं होगा, देख सकते हैं आप, क्योंकि इस ईयर में, एकेडमिक ईयर में आउट ऑफ स्कूल कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये है पिछले साल का। तो इसलिए मैं यहां पे पिछले साल का एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करके फाइंड पे दोबारा क्लिक कर लेता हूं। आप यहां पे आप देख लीजिए वही स्टूडेंट्स हैं जो यहां पे मैंने आपको रिपोर्ट्स में शो कराया था, आउट ऑफ स्कूल रिपोर्ट्स में। अब ये जो स्टूडेंट है ये इसको हमें वापस लेना है। अब यहां पे चेक पे क्लिक किया हूं, उसके बाद अब जो है वो थर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल स्ट्रीम डिवीजन ए, और जनरल रजिस्टर नंबर मैं वही टाइप करता हूं। और डेट ऑफ एडमिशन भी जब वो आई थी पिछले बार चेक करते हैं हम, हो सकता है या नहीं। देख सकते हैं आप 30 जून 2021 यहां पे मैंने सिलेक्ट किया हूं, और जनरल रजिस्टर नंबर भी पुराना ही है। अब यहां पे देखते हैं हम सेंड रिक्वेस्ट करके, आर यू श्योर, ओके, स्टूडेंट रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। तो इस तरह से यहां पे मैसेज शो हो गया है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ग्रे कलर में आ चुका है। अब इसी को यहाँ पे ट्रांसफर आउट ऑफ स्कूल अप्रूवल में जाकर देखते हैं कि यही स्टूडेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाई देती है या नहीं। आप देख सकते हैं यही स्टूडेंट है वो। रिक्वेस्टेड डेट भी जो है वो आज की ही है और यहाँ पे रिक्वेस्टेड स्कूल यही स्कूल का यहाँ पे यूडाइस कोड है। अब इसको हम अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर? ओके, स्टूडेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप, अगर आपका स्टूडेंट जाने के बाद वापस आपके ही स्कूल में आता है तो आप उसको उसी यूडाइस नंबर और डेट ऑफ एडमिशन पे दोबारा ऑनलाइन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और इसी की तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।